चर्चित एयर होस्टेस आत्महत्या मामले में रावलपिंडी कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल खांडा को बरी कर दिया। एयर होस्टेस की सुसाइड के 11 साल बाद कोर्ट का यह फैसला आया है। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। एयर होस्टेस आत्महत्या मामले में 11 साल बाद आरोपी गोपाल खांडा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। रावलपिंडी कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढुल ने गोपाल कांडा को बरी कर दिया। कोर्ट ने मामले में सह आरोपी अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि एयर होस्टेस के सुसाइड नोट के आधार पर गोपाल कांडा को दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस सुसाइड नोट में एयर होस्टेस ने अपने नजरिए से गोपाल कांडा को खराब इंसान जरूर बताया, लेकिन कोई ऐसी घटना का जिक्र नहीं किया जिससे लगे कि उसके साथ कोई धोखा हुआ हो या आरोपियों ने उसके साथ विश्वासघात किया। अभी अभी कोर्ट ने सिर्फ प्रोनाउंसमेंट दिया है। कोर्ट ने कॉपी अभी मिली नहीं है, कॉपी मिलेगी हम आपको बता देंगे। प्लीज प्लीज, कानून पे विश्वास था हमें, इसलिए हम एक्वेटेड हो गए। लंबी लड़ाई आपने लड़ी है, आपकी दलीलों को कोर्ट ने माना, दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत सारी धाराएं लगाई गई थी, लेकिन फिलहाल सारी धाराओं को ड्रॉप आउट माने। यस यस, बिल्कुल टोटली। एयर होस्टेस आत्महत्या मामले में गोपाल कांडा को बरी करते हुए रावलपिंडी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एयर होस्टेस की मौत से 7 से 8 महीने पहले तक एयर होस्टेस और गोपाल कांडा के बीच में टेलीफोन पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। कोर्ट ने कहा कि एयर होस्टेस और इस केस में सह आरोपी अरुणा चड्ढा के बीच भी 1 महीने में बातचीत नहीं हुई थी। कोर्ट ने कहा कि एयर होस्टेस और गोपाल कांडा के बीच में दोस्ताना संबंध थे, दोनों एक साथ कई जगह घूमने जाया करते थे। कोर्ट ने कहा कि गोपाल कांडा ने भी एयर होस्टेस को फायदा पहुंचाया, इसलिए पुलिस का यह कहना है कि आरोपियों ने ऐसे हालात बनाए कि एयर होस्टेस के आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं था, यह सही नहीं है। मेरे खिलाफ एक भी कोई एविडेंस कोई कुछ नहीं था, ये सिर्फ बनाया गया था। और ये किस सोच से क्यों बनाया गया था ये कोर्ट ने आज फैसला दिया है, ये सब कुछ आपके सामने, आपको ऑर्डर पड़ेंगे आपके सामने। बता दें कि गोपाल कांडा ने 2008 में गुड़गांव से MDLR एयरलाइंस की शुरुआत की थी। गोपाल कांडा ने अपने पिता के नाम पर मुरलीधर लेखाराम यानी MDLR के नाम पर रखा था एयरलाइंस का नाम। गोपाल कांडा की एयरलाइंस 2009 में बंद हो गई थी। गोपाल कांडा ने एयर होस्टेस को पहले इंटरव्यू के बाद ट्रेनी केबिन क्रू की पोस्ट पर नौकरी दी थी। फिर 6 महीने बाद जब एयर होस्टेस 18 साल की हुई तो उसको एयर होस्टेस बना दिया गया। इसके बाद 3 साल के अंदर एयर होस्टेस की कंपनी की डायरेक्टर की कुर्सी पर पहुंच गई। एयर होस्टेस ने अपने 2 पेज के सुसाइड नोट में गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा का नाम लिखा था। एयर होस्टेस ने सुसाइड के करीब 6 महीने बाद एयर होस्टेस की माँ ने भी आत्महत्या कर ली थी। एयर होस्टेस की मां ने भी अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा को जिम्मेदार ठहराया था। गोपाल कांडा एयर होस्टेस आत्महत्या केस में करीब 18 महीने की सजा काट चुके हैं। कोर्ट ने यह भी माना था कि जो तथ्य और साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे गए हैं, जो गवाह कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं, उनमें वो बात नहीं दिखती है जो होनी चाहिए, या वो दम नहीं है जिससे गोपाल कांडा के खिलाफ जो है आरोप या उनको सजा जो है वो सुनाई जा सके। फिलहाल अगर बात की जाए तो हरियाणा से विधायक गोपाल कांडा को गीतिका शर्मा सुसाइड केस में एक बड़ी राहत मिली है और रावलपिंडी कोर्ट ने उनको गीतिका शर्मा सुसाइड केस में बरी कर दिया है। कैमरा पर्सन सुरवीर के साथ टोटल टीवी के लिए अवैध उस्मानी, नई दिल्ली से।